लेकिन नीतीश जी के पास दर्शकों को लेकर चल रहे हैं। नीतीश जी, जो टारगेट बीजेपी की तरफ से सेट किया गया एनडीए की तरफ से 40 में से 40 सीटें इस बार बिहार में, लेकिन क्या पीएम मोदी के इस रोड शो से इन सीटों पर वोटों पर असर पड़ेगा? वहां की जनता इसके बारे में क्या सोचती है? पीएम के आने का कितना असर पड़ेगा वहां की जनता पर? बिल्कुल, देखिए पूजा, 14 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 26 सीटें अभी भी बाकी है और कुछ सीटों पर कल चुनाव है, और ऐसे में पटना में पीएम का रोड शो बहुत कुछ कहता है। मैं जरा लोगों से बातचीत करूं कि ये क्या कहते हैं। मंच पे ही कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीलेश दत्त तिवारी। बाकी सीटों पर जो चुनाव होना है, 26 सीटें, पीएम के रोड शो से कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। ऐसे भी लोग भाजपा में ही हो गए हैं और लोग जो है पीएम जी के आने से और लोग उस पर वोट पे वोट देंगे और बहुमत से हमारी सरकार लाएंगे। इन लोगों से बात करूं, रोड शो से कितना असर पड़ेगा? जी असर पड़ सकता है जी, इसमें क्या बोलता है, सीट के लिए असर पड़ सकता है लोगों उसको, मतलब आपको लग रहा है कि जिन सीटों पर टफ फाइट है वहाँ पर बेहतर होगा एनडीए? मतलब ये तो जरूर है, अब ये जनता तय करेगी मतलब ये क्या होना, लेकिन हम लोग तो रोड शो देखने के लिए आए माननीय प्रधानमंत्री जी का। जी आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इस रोड शो से? पहली बार पीएम रोड शो कर रहे हैं पटना में, आप यहाँ से वहाँ भीड़ देख लीजिए, उसी से अंदाजा लग जाएगा कितना असर पड़ने वाला। क्या ये भीड़ वोट देंगे सभी के सभी, ये सवाल है ना? ऐसे तो दो घंटा कोई खड़ा नहीं है ना, किसी के चाहने वाले ही खड़ा हो सकते हैं ना। यहाँ पे काम को लेकर वोट दिया जाएगा, और जो दिख रहा है लोग देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है, हर वर्ग के लिए काम किया गया है। ऐसे ही झूठ में इतना बेवकूफ़ लोग रहे हैं, हजारों में भीड़ लगा हुआ है और 4 घंटा से 5 घंटा से यहाँ पे खड़े हैं बैठे हैं। तो सवाल है कि पीएम के रथ में पीएम के साथ बिहार के सीएम भी नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा था कि अगर नुकसान होगा भी एनडीए को तो उन सीटों पर जहां जेडीयू लड़ रही है, और ऐसे में पीएम और सीएम दोनों का साथ रोड शो करना कुछ असर दिखा पाएगा? बहुत असर दिखा पाएगा। बिहार में सीएम काम किए हैं और नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में काम किए हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। 110% मतलब 110% भारतीय जनता पार्टी पूर्ण से पूर्ण बहुमत लाएगी, 400 पार करेगी। यहाँ की जो जनता है वो भी ये कह रही है कि बीजेपी 400 पार करेगी, ये दावा वो कर रहे हैं जो दावा बीजेपी की तरफ से अमूमन हम सुनते हैं किया जाता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, प्रकाश और शशांक भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश, आप ही के पास आते हुए, विकास कितना हुआ बिहार में, जनता क्या सोचती है, या फिर पीएम के इस रोड शो को देखकर ही वो गदगद है? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के रोड शो से मतलब, या विकास से भी? देखिए पूजा, इस रोड शो में सबसे खास बात जो न्यूज है जिसे पकड़ने की जरूरत है वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस रोड शो में रथ पर सवार होना। ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है बिहार की राजधानी पटना से रोड शो के जरिए कि नीतीश कुमार जो इस बार उनके साथ आए हैं, सशक्त तरीके से उनके साथ हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, और दोनों की दोस्ती, चाहे बीजेपी और नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार और जेडीयू, पार्टी का और दल का मिलना ये पिछली बार की तरह नहीं है बल्कि इस बार ठीक उसी तरह से है जैसा कि 2019 में हुआ था। बार बार मंच से नीतीश कुमार ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि इस बार इधर आए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो रोड शो के दरमियान आपने देखा होगा कि अब तक किसी दूसरे राज्य के किसी मुख्यमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए हैं, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार के साथ नजर आए। तो बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश उन कार्यकर्ताओं को भी, उन मतदाताओं को भी जो कि समर्थन कर रहे हैं, जिसका फायदा तेजस्वी यादव, लालू यादव या इंडिया गठबंधन के लोग उठाना चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो गठबंधन है वो ठीक तरीके से नहीं है, दोनों अवसरवादी है, तो ये बताने की कोशिश की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि विकास के बाद की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धरातल पर जाति और धर्म यही दोनों काम कर रहा है। जहां पर लालू यादव ने जाति आधारित जो उम्मीदवार दिए हैं उससे पेच फंस गया है, और उसका कार्ड जो है वो हिंदू मुसलमान को लेकर नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हो रहे हैं। तो जाहिर है कि एक तरफ नीतीश कुमार की कोशिश है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया है उसे ध्यान में रखें, तो विकास अपनी जगह है लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ और है। प्रकाश, जिस बात का जिक्र आपने किया उसी सवाल को मैं आगे लेकर शशांक के पास जाऊंगी। शशांक, सिर्फ दल ही नहीं मिले हैं, दिल भी मिले हैं, ये मैसेज बिहार की जनता तक पहुंचाने की कोशिश कितनी कामयाब होती धरातल पर नजर आती है? इसका अपना वोट बैंक है, साथ में पीएम यहां पर थे, तो पाटलिपुत्र और
पटना साहिब से जो बीजेपी प्रत्याशी उनके लिए ये लोग रोड शो कर रहे थे, लेकिन मैसेज जो है जो पास के जिले हैं हाजीपुर चिराग लड़ रहे हैं, सारण रूड़ी लड़ रहे हैं, इधर आप आरा जाइए तो आरके सिंह प्रत्याशी हैं, पास में बेगूसराय है, गिरिराज है, तो उन सीटों को भी साधने की कोशिश है। और कल तो 5 सीटों पर वोटिंग भी हो रही है, तो बीजेपी को चुनाव में अब लाभ होगा कि नहीं ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, आज नीतीश साथ थे, एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली है। हमारे साथ कार्यकर्ता है, रोड शो इधर ही से गुजरा है। अब पीएम जो है अब बाकरगंज की तरफ बढ़ गए, हम लोगों से ही बात करेंगे। पीएम रोड शो किए हैं, क्या लगता है पहली बार बिहार में किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया? नहीं, ये नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी मानव नहीं, वो महामानव है। हमने तो रामराज को नहीं देखा, लेकिन हमने मोदी को देखा, और मोदी हमारे राष्ट्रीय नेता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। आज उनको देखने के लिए ये लाखों की भीड़, ये पब्लिक ये बता रही है कि नहीं। ये बताइए, रोड शो की जरूरत क्यों पड़ गई, चुनाव है? अब तो देखिए थोड़ा सा विपक्ष भी भारी पड़ रहा है, और ये बहुत जरूरी महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा कदम है बीजेपी के द्वारा। विपक्ष भारी पड़ रहा है? भारी नहीं पड़ रहा है, बट बीजेपी की टोपी लगाए हुए हैं, जो वस्तु स्थिति है उसको हम बता रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि टफ फाइट है। ये बताइए, पीएम रोड शो किए हैं, क्या लगता है बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा? माहौल बनेगा, माहौल बनेगा, पूरा माहौल बनेगा, युवा माहौल बना हुआ है। अब की बार 400 पार। तेजस्वी रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि पांच, हमारी जब सरकार थी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए, पीएम रोजगार की बात नहीं करते, ये आरोप लग रहा है। पीएम हम लोग को बता रहे हैं ना, प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, उससे अच्छा है रोजगार से अच्छा है। बोलिए बोलिए, आप कुछ बोले तो बोलिए। 20 साल लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे थे, जो तेजस्वी बोल रहे कि पीएम मोदी अति बात नहीं कर रहे हैं नौकरी के बारे में। देखिए, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, आम लोग भी हैं, उत्साहित बहुत हैं। अब चुनाव में बीजेपी को कितना लाभ होता है ये देखना होगा। बिल्कुल शशांक, ठीक कहा आपने, वोटों में कितनी तब्दीली होती है इस जन सैलाब की, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बड़े दावे बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इस रोड शो को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। ABP News आपको रखे आगे।